हेलो एंड वेलकम बैक टू आरएल क्राफ्ट। अभी हेलो एंड वेलकम बैक टू आरएल क्राफ्ट। होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है, रीटेक को भूल जाएंगे अपन। यस, लेट्स फोकस। सो मुझे कमेंट में एक सजेशन आया कि ये जो आंख चाम है इसमें मैं ऑब्सीडियन शील्ड मिला के बनाओ एक आंख शील्ड। एंड आई वाज लाइक अब ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया। तो अभी एक ही शील्ड से अपन पोशन इफेक्ट से भी छुटकारा पा सकते हैं एंड साथ में नॉकबैक से भी। बट प्रॉब्लम इसकी ऐसी है ना कि फॉर सम रीजन ये लोग ऑब्सीडियन शील्ड की रेसिपी दे ही नहीं रहे हैं। क्या भाई, कैसे बनाते वो तो बताओ। इतना कौन सा सीक्रेट रखना है तुमको उसकी रेसिपी? हाँ, अभी तुमने बोला था कोबाल्ट शील्ड के साथ मेरे को ऑब्सीडियन स्कल मिलाना पड़ेगा ना, तो इसकी अभी इसमें भी रेसिपी नहीं है भाई, कैसे ढूंढूं मैं? मेरे को ये तो बताया कि ऑब्सीडियन स्कल के लिए ये सब लगता है जिसमें अपन को पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस अपन को सिर्फ एक बनाना पड़ेगा, बाकी सब है अपने पास। लेकिन इसके बाद क्या मिला? ओह, मतलब तुम इधर उधर पूरा घुमा के छोड़ोगे ना एक रेसिपी दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो आज अपन बना सकते हैं। उसके साथ साथ तुमने बोला था सी सरपेंट का स्टैचू बनाने के लिए, तो ठीक है अपन एक काम कर सकते हैं, ये पूरे पूरे एरिया घूम के एक मेड्यूसा का अपन टेम्पल ढूंढ सकते हैं, उसमें से टकला लेके सबसे पहले अपन सी सरपेंट को स्टोन बनाएंगे। अगर एक और मेड्यूसा मिली तो उससे अपन लाइब्रेरियन को भी स्टोन बना लेंगे। सबसे पहले तो इसको बनाना पड़ेगा, ये जो है ना इधर ओ ऊ करता बैठता है मेरे घर में ही, मतलब इतना शोर मचा के रखा है बंदे ने। सबसे पहले तो इसको स्टोन बनाऊंगा मैं। सो ठीक है, सबसे पहले अपन ऑब्सीडियन स्कल से शुरुआत करते हैं। ऑब्सीडियन चाहिए, स्कल चाहिए, ये भी चाहिए। पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है। मैग्मा क्रीम एंड ऑकवर्ड पोशन, अरे सब कुछ है अपने पास, सब कुछ है अपने पास, आराम से बन जाएगा। बस टाइम पे सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है मेरे पास। बेस पाउडर मिल गया, उसके बाद ये सारे सारे चीज़ें अंदर रखो भाई। सबसे पहले हे भगवान भाई, एक दिन बैठ के सही में मेरे को इन्वेंटरी मैनेज करनी पड़ती है भाई, मेरी कुछ नहीं मिलती मेरे को, कुछ सामान नहीं मिलता मेरा। इसको हटाओ एंड इसको डालो। ऑकवर्ड पोशन के साथ ये बनेगा अपना फायर रेजिस्टेंस पोशन, जिसकी जरूरत तो नहीं है मुझे, लेकिन ठीक है एक एक्स्ट्रा का बना लेंगे अपन, आगे जाके कहीं तो भी काम में आ जाएगा। उसके अलावा यार ये चाहिए लॉबर कोर, लेकिन वो लॉबर के लिए पानी, मतलब पानी भी नहीं, लावा में कौन डुबकी मारने जाए। ये रही, उतने कुछ खास इसमें क्वालिटी भी नहीं है, दैट्स फाइन। चलो इससे अपन बनाएंगे अपना, अबे उत्तर कूद तो जा। ये बन गया अपना ऑब्सीडियन शील्ड एंड हार्टी है यार, शिट मैन इतना दुख हो रहा है ना मेरे को, अगर इसको कंबाइन करके मुझे अगर ये नहीं मिला हेल्दी एंड हार्टी, भाई बड़ा दिल दुखेगा, बड़ा ही ज़्यादा दिल दुखेगा। लेकिन ठीक है तुमने बोला है तो शिट मैन कुछ नहीं मिला, हट यार वेस्ट हो गया। आर्मर्ड है लेकिन क्या फ़ायदा यार आर्मर्ड का, दो हार्ट तो कम हो गए अपने। इसको रिफोर्ज करने के लिए आई थिंक स्पेक्ट्रल सिल्ट लगता है ना कहीं, तो भी मैंने ढेर सारा स्पेक्ट्रल सिल्ट, ओए तीन है मेरे पास, ओ वेट अ मिनट तीन है ना, तीन से अपन ट्राई करते हैं। अगर हार्टी आ गया या फिर अनडाइंग आ गया भाई मजा ही आ जाएगी। आरके ने, अबे क्लंकी नहीं बिल्कुल, डूड नेगेटिव इफेक्ट नहीं चाहिए था यार, अनलकी दिया है वो भी भाई, अनलकी के अलावा कुछ और देते तो भी चलता था, क्या दिया है यार। अभी मेरे पास नहीं है यार स्पेक्ट्रल सिल्ट, कहाँ से लाओ अभी मैं? अच्छा इसको डिसइंटीग्रेट करना पड़ता है ना, ए पड़ा हुआ है मेरे पास, ये है आखिरी स्पेक्ट्रल सिल्ट। प्लीज 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 ढंग का कुछ आ जा, फोकसिंग चलेगा, एक बार का फोकसिंग चलेगा भैया, नेगेटिव वाले से फोकसिंग एनी टाइम बेटर है। एंड स्कारलाइट इधर तीन पड़ा हुआ है, ओके इस तीन की मदद से अपन चार और बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ढेर सारे इतने सारे ड्रैगन ट्रीज बनाए थे बिकॉज वो ग्रीन कलर का मुझे मोरॉक मिला था, लेकिन यार किस्मत अपनी इतनी फूटी है, मतलब क्या ही बोले। आज ट्राई करेंगे, अगर जहाँ भी कहीं वो मोरॉक मिला भाई फट से पकड़ के उसको टेम करने वाला हूँ मैं, या इस बार बिल्कुल भी छोड़ना नहीं उसको, कुछ भी हो जाए अपन आज ग्रीन मोरॉक कुछ ना कुछ टेम करके रहेंगे। कल बहुत टाइम पास हो गया, आज बिल्कुल भी वो टाइम पास वाली गलती नहीं करेंगे अपन। जिसके लिए सबसे पहले डायमंड से अपन ढेर सारे ये बनाएंगे सोल स्टोन, या फटाफट से चीज़ें टेम करेंगे वहीं के वहीं, उनको सोल बाइंड करेंगे ताकि बेवजह वो डर नहीं होने का बाद में कि भाई
घर जाते जाते मर तो नहीं जाएगा वाला डर चाहिए नहीं, मैं वहीं के वहीं टेम करने का, वहीं के वहीं पे उनको सोल बाइंड करने का, बात खत्म। 4, 3, 7 ठीक है, फिलहाल के लिए 7 काफ़ी है, इसको भी अंदर रख लेंगे, लेट्स गो। चलो अभी चलो बिना कुछ भी टाइम पास किए अपन निकलते हैं अभी मेड्यूसा को पकड़ने के लिए। रुको, टाइम पास करना पड़ेगा, सारा का सारा कचरा अंदर डालना पड़ेगा। विश्रम इंसान, अभी ये बंदा तो यहाँ पे अटक गया एक बार का, ये कहीं भागने नहीं वाला। सो जो सी सरपेंट रहेगा उसको अपन यहाँ पे रख देंगे इसकी पुरानी जगह, बस वो सी सरपेंट इसकी तरह भगोड़ा ना निकले, बस जब तक वो भगोड़ा नहीं है तब तक आराम से अपन उसको टेम कर सकते हैं। मेरे पास सिल्टच भी है, चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी सबसे पहले अपन को ढूंढना है एक मेड्यूसा की डेन जो कि पानी के आसपास मिलेगी। सो अपन एक काम करते हैं, ये जो है अनडिस्कवर्ड एरिया उसमें एक एक करके घूमना शुरू करते हैं। यहाँ से सीधा जाना है अपन को इस डायरेक्शन में, एंड फिर जहाँ पे भी अपन को बीच मिलेगा, बिकॉज मेड्यूसा की जो वो है डेन है वो बीच साइड ही स्पॉन होती है। सो ये जो बीच है ना, यहाँ इसके बाजू बाजू घूमना पड़ेगा, एंड लेट्स होप कि एक हाथ अपन को जल्दी मिल जाए। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जाते हैं अपन, ये हाँ यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं और फिर वहाँ से अपन पास जाएंगे। यस यस यस, इतनी दूर कौन उड़ उड़ के जाए, उससे बढ़िया अपन टेलीपोर्ट होंगे ना। अभी तो अपने घर पे ही एक वेस्ट होने, तो क्या ही प्रॉब्लम है। यहाँ से ब्लू आइस ड्रैगन के पास जाएंगे अपन। यो साहब कौन है तू? फालतू इंसान है। एंड फिर यहाँ से जाएंगे अपन एक्सप्लोर करने। या ओ नीचे डंजन है एक, लेकिन ना अपन को डंजन से फ़र्क पड़ता है वैसे, बिकॉज इससे ढेर सारे एक्सपी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। अपन को अभी सिर्फ मेड्यूसा की डेन चाहिए और कुछ नहीं, मात्र मेड्यूसा की डेन। एंड ये भी बंदा चाहिए जो कि इतना टेंशन पोज में क्यों खड़ा है भैया, हेलो क्या हो गया इसको, हैं इतना एकदम सावधान में क्यों खड़ा है ये, ठीक है अच्छा है। वैसे अगर खड़ा रहेगा तो उसको स्टोन बनाना ईजी हो जाएगा अपने लिए, ठीक है उसको वहाँ पे पड़े रहने देंगे। एंड लेट्स होप कि जब तक अपन को मेड्यूसा की टकली नहीं मिल जाती तब तक वो वहाँ से नहीं हिलेगा, वरना ठीक है सी सरपेंट को तो ढूंढना होती। ये देखो यहाँ अभी क्या चल रही है, सारे के सारे अटेंशन में क्यों खड़े हैं, किसका वेट कर रहे हो उनको विश्राम बोलने के लिए। देखो ये है लुड़बुड़ी, इसको फर्क माँ कसम बे बड़े गंदे टाइम पे, भाई 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 अभी नीचे सी सरपेंट है विश्राम, अबे बड़ी गंदी जगह पे लाया इसने, अभी जल्दी हटा। अरे कौन है, नेवर माइंड, उसको बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरी बेवजह फटी पड़ी थी, वो बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या हो गया भाई ये सी सरपेंट को, हेलो इतने ज़्यादा एकदम मतलब क्या हो गया है, सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट ठीक है अपने लिए अच्छा है। हाँ भाई था एक फिर से एक कन्या दूर रहेंगे, आज 14th February है तो ये थोड़ी ज़्यादा ही मतलब उतावली हो रही है अपने पास बुलाने के लिए। तो थोड़े अंतर, अबे कौन है ये, बाटली फूटने की आवाज़ आई है, अभी किसी ने फ्रीज भी किया था, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे कुछ तो। ओ अच्छा ये था, मैं वही बोलूँ मेरे को फ्रीज कौन किया है यहाँ पे, ये बंदे ने फ्रीज किया है, पहले बताने का था ना कि ये तो तुम लोग हैं, तो बेवजह वो हुस्न परी पे इल्ज़ाम लगा रहा था। रुकना तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ। चलो थोड़ा तो हरकत कर रहे रे बंदा, मेरी फटी पड़ी थी कि अपग्रेड करने के बाद मे बी इनमें ग्लिच तो नहीं आ गए, लेकिन ठीक है सी सरपेंट हिल सकते हैं, कंफर्म हो गया वो बात। चलो अभी मेड्यूसा हिल सकती है कि नहीं वो अपन को बस टेस्ट करना है, बस एक बार दिख जाए यार, इनका प्रॉब्लम ये है ना कि ये दिखती नहीं जल्दी, पता नहीं क्यों। वो बात भी ठीक है कि उनकी मुंडी के पीछे अपन पड़े रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट भाई इतना तो मत डरो, एटलीस्ट अपनी शक्ल तो दिखाओ। अबे बे बाबा तू वहाँ से कूद के आया क्या, अच्छा दे हैव अ केव ट्रोल, ये क्या दिया रे ट्रोल टस्क, अरे क्या बात है भाई फाइनली इनका नॉकबैक नहीं मिल रहा, आजा मार जितना मारना है मार ले, मैं मारूंगा अभी। सही है यार फाइनली भाई, फाइनली जो नॉकबैक वाली फालतू चीज थी वो चली गई, अभी किसी का डर नहीं मेरे को। आओ कौन आ रहा है,
पोंगा देता है क्या? अबे पोंगे नॉकबैक देना रे, पोंगा पोंगा देता है रे, पोंगा नॉकबैक देता है, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी, मतलब कोई भी बॉबल लगा लो तुम, पोंगा नॉकबैक दे के ही मानेगा। ये तो गलत है ना यार। अरे गाय देवी मिली हमको, गाय देवी मिली हमको, जय हो गाय देवी। अरे रे 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 रे, इधर तो भाई क्या करे क्या करे क्या करे, दिया लगाना पड़ेगा यहाँ पे तो। गाय देवी है पेड़ में अटकी गाय देवी हमारी अबे रुको रुको रुको, हाँ गाय देवी आप वहाँ से बिल्कुल भी निकल ना पाए, इसलिए हम आपके आजू बाजू, अबे कहाँ भाग रही है भाई साहब, गाय देवी भाग गई गाय देवी को आइडिया पसंद नहीं आया पेड़ के अंदर ही खड़े रहने का। अच्छा यहाँ गाय जा, उधर उधर वाले पेड़ पे जा 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 जाना, यहाँ से वाले पेड़ पे जाना जाना रे गाय देवी। ज़्यादा नाटक किया ना, तो एक काम कर, रुक जा देखो तो गाय देवी बना के रहूँगा मैं, रुक जा इधर 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 ऐसे ऐसे रहे, एक एक ब्लॉक पे रहे ना, इधर एक वो जा रही है। अच्छा ठीक है गाय देवी चेंज अपनी, जा अंदर जा, नहीं जाती ऐसे नहीं जाती यार ये, छोड़ो इसी को गाय देवी बनाएंगे। इधर इधर जा, अंदर जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा, उधर एंड इधर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अपन इसको काटेंगे वहाँ से, होपफुली हिल नहीं पाएगी वो, या फिर इसी को काटेंगे अपन। ये आ गया अपना एकॉन, एंड यहाँ पे इसको अपन प्लांट कर देंगे। या अबे कहाँ निकल रही तू, हे भाई ऐसा निकलने का नहीं है, हेलो बड़ी मुश्किल से तेको अंदर डाला मैंने, अभी वो जब बाहर निकलेगा तब फिर से ये अपने दोस्त के अंदर समा जाएगी हमारी गाय देवी। यार कचरा, मतलब इतना जल्दी कचरा भर जाता है ना ये, मतलब पता है कि ये टैलेंट चाहिए, टैलेंट चाहिए इसमें, बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए इतनी जल्दी तुम्हारे जेब में कचरा भरने का, टैलेंट होना चाहिए, हर किसी में नहीं रहता वो टैलेंट, मेरे में भर भर के है वो। तुम मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट में तुमको पूरी की पूरी इन्वेंट्री में भर के दूंगा, बेवजह के कचरे से पता नहीं क्या काम है इसमें, इसका नो आइडिया क्या काम है, लेकिन भर के रखा है मैंने इसका, इसका काम है इसका, सिंसनेट का पता नहीं क्या काम है, लेकिन इसको भी भर के रखा है, बेवजह की फालतू की चीज़ें भर के रखता हूँ मैं, शौक लगा के रखा है। अभी कर्ज ब्रेक नो आइडिया क्या है, लेकिन ऐसे ही भर के रखा है। ये लो गाय देवी, अभी अगरबत्ती तो है नहीं गेम में, तो ये लो अगरबत्ती की जगह आप ये लो, ये चढ़ावे में लो मेरे से, चलो। अबे क्या आइया कर रहा है यार फालतू इंसान, बढ़िया मस्त वहाँ पे अपनी गाय देवी बड़ी हो रही है। अपन यहाँ पे मार्कर भी लगा देंगे, यहाँ पे हमारी गाय देवी रहती है। अभी गाय देवी का आशीर्वाद लेके निकले अपन, अभी होपफुली जल्दी से अपन को मिल जाएगी एक मेड्यूसा की लेयर। A few inches later. अरे ओए 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 गाय देवी का आशीर्वाद, अबे रुक जाओ बे, गाय देवी का आशीर्वाद भाई डिसमिस गाय देवी जिंदाबाद, एक नंबर भाई, मजा आ गई। ड्रैगन थ्रोर जो चीज़ अपन को चाहिए थी वो मिल गई, ये सारी चीज़ बाहर निकालो भैया, ये सब अपन को चाहिए, आशीर्वाद मिलना इसको बोलते, देगा। अभी बस अपन को एक बढ़िया सा मुरॉक मिल जाए, बस इग्निबस नहीं चाहिए यार, ये बहुत बड़ा है इग्निबस, मुरॉक हैबे बढ़िया से मुरॉक है उधर, लेकिन मेरे को जो मुरॉक चाहिए वो तो यहाँ नहीं है, नॉर्मल वाला मुरॉक है यार, प्यारा सा सुंदर सा ग्रीन वाला मुरॉक मेरे को चाहिए, वो क्यों नहीं है यहाँ पे, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये फालतू वाला मुरॉक क्यों है, अभी ठीक है इसी को ले लेंगे, लेकिन ये नहीं चाहिए था ना यार मेरे को, हुआ कि नहीं, हो गया चलो लड़ जू, अबे पागल है क्या, हाँ ठीक है उससे लड़, अभी गिरा दिया, अभी पागल हुई यार, उसको सोल बाउंड करने गया उस चक्कर में गिर गया मैं, हेट पर ठीक है, उनको लड़ने देंगे अपन उधर, वो वहाँ पे बिजी रहेंगे, तब तक अपन यहाँ पे मार डाला उसने उसको, अरे क्या लल्लू मोरॉक पकड़ा है रे अपन ने। अरे यार प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे गांव में विलेजर्स मिल रहे हैं लेकिन जैसे मुझे चाहिए वैसे नहीं मिल रहे यार, आलतू फालतू अंडू बंडू ढेर सारे विलेजर मिल रहे हैं, लाइब्रेरियन एक भी नहीं, पता नहीं क्यों। अरे मिला लाइब्रेरियन, तू है क्या लाइब्रेरियन, लोगों को लाइब्रेरियन बनना क्यों नहीं है भैया।
ठीक है यार, बंदे ने भले ही सुप्रीम शार्पनेस 5 नहीं दी, लेकिन भाई सुप्रीम शार्पनेस 2 भी नॉट बैड। सूडो गॉड है, सूडो गॉड मतलब डेमी गॉड जो होता है ना, डेमी गॉड है भाई, तू डेमी गॉड है भैया। अभी बढ़िया से एक काम कर, ट्रेड कर एनवे को, प्लीज प्लीज सेकंड और थर्ड चांस दे दे यार, प्लीज। तेरे भाई पैर धोऊंगा, तेरे पैर धो के उसका पानी पीऊंगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। प्लीज मेरे को ढंग का एनचार्ट दे दे, आई एम सो डेस्परेट मैन, मेरे को ढंग का कहीं भी एनचार्ट नहीं मिल रहा है, प्लीज भाई तू मेरी आखिरी उम्मीद है भाई, प्लीज। अरे माकड़िया, ये विंटर्स ग्रेस का क्या करूं मैं, क्या ये वन ऑफ द वेदर एनचार्ट, दो इट फंक्शंस इन बायोम विद लो टेंपरेचर, डील्स एक्स्ट्रा डैमेज टू ऑल एंड अप्लाइज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट विद ईच हिट रिलेटेड टू हाइपोथर्मिया। बेसिकली लोगों को ठंडी लगा देता है वो। अबे ठंडी लगा के क्या करूँ लोगों को मैं, दो एनचार्ट बड़े ही घटिया दिया है, लेकिन ठीक है भाई, उसने अपन को सुप्रीम शार्पनेस 2 दिया है तो भाई उसी के लिए उसको जिंदा रखेंगे अपन। चलो यहाँ पे तेरे नाम से एक यहाँ वी पॉइंट लगा लेते हैं। ओह यस, ये लोग क्या है भैया? अरे क्या हो गया, कुछ तो लोड हुआ क्या, इतना बड़ा मेरा ग्लिच हुआ इसका मतलब कुछ तो लोड हुआ है। क्या लोड हुआ है जरा बताओगे तुम, बताओ बताओ क्या ओ भाई क्या प्यारा दिख रहा है, लेकिन अभी तुम इतना गंदा लैग मत कराओ रे, इतने में होपफुली मान जाना चाहिए, वो नहीं माना तो बड़े लात खाएंगे। अरे कोई रहा, मान करेंगे ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, बहुत बीस ट्रीट रखी अपने साथ मैंने। चलो आज बारी है अपनी एशन वॉर्क पकड़ने की, नहीं एशन वॉर्क नहीं, एशन फेराडॉन पकड़ने की। फेरू, ए फेरू कौन आया इसमें से, ले तू भी आ जा। दोनों कलर के फेरू आ गए अपने पास, एक बड़ा है एक टिंगू है, सही है। ओए ब्लैक वॉर्क मिल गया, अबे रुकना, ब्लैक वॉर्क मिल गया भाई वहां पे, इतना सुंदर सा मुझे, तुम बीच बीच में कर रहे हो, आ जा भाई। धूतो है, अरे क्या बात है, अबे यार ये मारते हैं यार इनको, मतलब टीम करने का सोचो लेकिन मारते हैं ये लोग, हाथ में ट्रीट देख के भी मारते हैं, क्या बेशरम लोग है। सही है यार, इस मामले में लक मस्त चल रहा है मेरा, आजू बाजू दो दो ब्लैक वॉर्ग मिले मेरे को, वाह तो क्या प्यारा देख रहे हो, देखो आँख में एकदम उसका कट है, वूंड बने हुए उसके आँख में, वाह जोरो है जोरो जोरो टाइप आँख में कट लगे इनके जोरो है ये, नॉर्मल वॉर्ग नहीं है, कायदों की छाती फोड़ेंगे जाके। वॉर्ग का आई थिंक अपना कोटा पूरा हो गया, वॉर्ग अपन को दोनों तरह के मिल गए, तीसरा वाला तो नॉर्मल वॉर्ग, ठीक है यार देखेंगे अगर कहीं मिल गया तो पकड़ लेंगे, लेकिन ठीक है यार नॉर्मल तो बहुत घूमते रहते हैं, ये जो यूनिक वाले हैं उन्हीं को ढूंढना मतलब एक चैलेंज है, जो कि ठीक है फटाक से मिल गया अपन को। और अपियन खुश तो तुम बहुत होंगे आज, रेयर टाइप के वॉर्ग पकड़ गए हैं, मतलब कि जब जो चीज़ नहीं चाहिए और गेम ऐसा अपन को दे देता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक फ्लिंट एंड स्टील उठाऊं एंड जला डालूं पूरा। भाई तुमको एक क्या मैंने मांगा, मेडुसा की डेन मांगी है, क्या दे रहे हो तुम, कुछ भी कर रहा है गेम आजकल, एक चीज देने के जाए वो, अबे क्या मंदबुद्धि इंसान है भाई, अटक ही गया वहां, ए अटका नहीं है, ओए नहीं, गलती हो गई भैया। बंदा ताओ ताओ में मारने के लिए आ गया, बोले बेवकूफ कैसे बोला अबे यार दो ना भाई एक मेडुसा की डेन, क्या भाव खा हुआ है यार ये गेम। मिल गया, फाइनली भाई साहब, बड़े अरसों के बाद। अरे भाई साहब पास में वो बंदा भी है, मुंह फाड़ के बैठा है वहां पे, आ रहो थोड़ी देर से आ रहो, वैसे ही मुंह फाड़े रख। फाइनली मिल गई रे भैया, फाइनली मिल गई। अभी मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना है, डू डू डू। अच्छा ये है बंदी, मेडुसा अंदर ही नहीं भैया, दिखती क्या यहाँ से मेडुसा किधर है। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे बनाएंगे एक बेड, यहाँ पे अपना स्पॉन पॉइंट सेट करने के लिए, ठीक है। एंड एज पर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले यहाँ पे बनाऊँगा मैं एक डबल चेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बनेगी अपनी चेस्ट, इसमें सारा अपना सामान रख देंगे अपन, ओके कुछ भी नहीं रखेंगे, कुछ भी नहीं, इवन ये सब कुछ भी उतार के रख देंगे अपन। अभी हेलो दीदी, हेलो, एक नंबर। चलो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना था कि अगर वो मुझे स्टोन बनाती है तो वो स्टोन को अपन तोड़ के घर लेके जा सकते हैं क्या। वैसा अगर हो गया तो अपन अपने घर पे खुद का ही पुतला लगाएंगे
बस वो ट्रिक काम करनी चाहिए वरना मेरा पोपट जाएगा एंड बेवजह की मौत हो जाएगी मेरी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होता है। ये इधर लगा था, एक बॉबल मिसिंग है ना मेरा। कौन सा बॉबल था? ये था। इसकी जगह अपन वो नेकलेस लगा लेंगे आई गेस। लगा तो है बराबर से ब्लाइंड फोल्ड, फिर सब कुछ दिख क्यों रहा है मेरे को सामने का? हेलो, कुछ तो भी गड़बड़ है भैया, कुछ तो भी गड़बड़ है। दया मेरी फट रही है अभी कि मैं फिर से स्टोन ना बन जाऊं। ए मेरा स्टैचू। यो साहब, नो आइडिया मैं कि सब कुछ क्यों देख पा रहा हूँ, लेकिन सही है, अपन को ये मिल गया लेजेंडरी वेपन गोरगोन हेड एंड अपना स्टोन स्टैचू भी मिल गया अपन को। ये अपन है यार, थोड़ा सा अगर अलग दिखता तो अच्छा था, लेकिन ठीक है, दिस इज अस। आ जाओ भैया क्रेबैट्स, चलो अपने घर प्लेयर। मेरे को मेरे स्टैचू मिल गया। क्रीपर ले ही लेते, थोड़ा सा यूनिक दिखेगा ये। ठीक है, दो स्टैचू मिल गए जिसमें से एक क्रीपर है, एक अपन है, एक गोरगोन का हेड मिल गया। अभी अपन को बढ़िया सा बड़ा सा ये ढूंढना है, अपना सी सरपेंट। अबे एक गुलांटियों के बीच में देखेगा कि नहीं मेरी तरफ, ये कि गुलांटिया ही मारता रहेगा। एक गुलाठी, ए हरे सिंह गुलाठी। अबे इसको दिखाओ के आँख, इधर देखना मेरी आँख में, सच्चाई देख रही मेरी आँख में देख रही। अबे देख मेरी आँख में, माँ कसम यार। बंदे बंदा गुलाटी मारने में बिजी है भाई, इसको कैसे कैसे कन्वर्ट करो इसको स्टोर में। हाँ अबे इधर देख ले रे, इधर देख ले रे, एक बार तो देख ले, माँ कसम भाई। रुक जा, आ रहा हूँ मैं थोड़ा इनसे डील करके। ये अलग ही लल्लू प्रजाति की है यार भाई। अभी तू तो है, अभी भी 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 भी। हाँ ये आ जा। अबे तू ठीक है, उससे लड़ने में बिजी है। अबे तुम गधे हो कह रहे, कभी भी कुछ भी करते हो। ए भाई इधर आना मेरे को, बंदा उधर थक गया, बंदा किसको किसको मार रहा है, इधर आना मेरे को लेने फालतू इंसान। हाँ आजा 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 आजा, तू 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 आजा 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 आजा, टॉमी तू 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 तू, टॉमी तू 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 तू, हमार गुलांटिया इधर आ, गुलांटी नाथ ये ले एक और खा, फिर एक और खा। ये जैसी वो रहती है ना अपनी छिपकली छिपकली छिपकली, उसकी शेपुट कटने के बाद कैसी लुपड़ लुपड़ होती है, ये वैसा बंदा है ये। पूछ कटने के बाद जो लुपुड़ लुपुड़ होती है ना, वैसा कूदे जा रहा है। चलो यार, कोई ढंग का पोज में अगर ये होता था ना तो ठीक था। क्या है ये, लंबी रॉड समान? वही है ना वो अपना बंदा, वही है ना। हाँ भैया भैया भैया, ऐसी लंबी रॉड समान कैसे स्टोन बना यार। शी स्टैचू मेरे, लेट्स गो। बन गया भाई, बन गया स्टैचू, बन गया अपना सी सरपेंट। तुमने जो बोला था वो भी एक काम हो गया अपना भाई। गाँव ही नहीं है इतने पूरे इलाके में, गाँव ही नहीं है, व्हाट द हेल। ओए एक और मिल गई, क्या बात है, अभी एकदम भर भर के मिल रहे हो तुम, क्या बात है। हट रे, मेरे को एक और मेड्यूसा से लड़ना है। ये पुरानी वाली है क्या? शायद नहीं, ये नई वाली है। अबे लेदर फेंक दिया मैंने, ऐसी जो फालतू हरकतें करता हूँ ना मैं। अभी वेनिसन मेरे को लेदर देते हैं क्या? सॉरी भाई, मेरे को लगा लेदर देगा, लेकिन मुझे क्या पता था तुम बिना लेदर के घूमते हो। मेरे को लगा ठीक है भाई, ठंडी में रहते होंगे, लेदर पहनते होंगे, मुझे क्या पता ये नंगे घूमते हैं। अरे कौन, हटो यार। चलो ये बढ़िया काम किया तुमने, ढेर सारे मेरे लिए वूल दे दिए ताकि अच्छा खासी स्ट्रिंग बना सकूं मैं। लेकिन एक गाय दो नहीं यार, कहीं गाय या फिर घोड़ा कुछ भी चलेगा, अपन भेदभाव नहीं करते दोनों में, लेदर लेदर होता है, चाहे गाय से मिले चाहे घोड़े से मिले। या फिर ग्रिफिथ देते हैं क्या? नया एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन, वी आर ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। या ग्रिफिथ को अगर पकड़ नहीं सकते तो उसको उड़ने भी नहीं देंगे,
अब लल्लू राम को देखो, ये है लल्लू राम, हाँ आसमान के राजा, उड़ते नहीं बन रहे यहाँ से बंदे को। चलो लेदर दिया रे बंदे ने। चलो अभी सेकेंड मेड्यूसा की टकली लेने जाएंगे अपन, उसको सेव करके रखेंगे अपन, ठीक है। एकदम अपना लक चमका है खतरनाक तरीके से, तो उसको यूज़ करके अभी के अभी वेस्ट नहीं कर डालेंगे, क्योंकि सी सर्पेंट हो गया है, उसके बाद फिर मेरा खुद का स्टैचू भी हो गया है। विलेजर को फिलहाल के लिए नहीं, किसी और को अपन स्टैचू बनाएंगे, बिकॉज बहुत रेयर है यार इतना, मतलब भटकने के बाद अपन को दो मेडिसा की टकली अगर मिल रही है तो काफ़ी रेयर है, तो अपन विलेजर पे वेस्ट नहीं करते इसको, ठीक है। अभी रखने यार, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे तो सोच भी नहीं सकता बेटा, ऐसी जगह जा रहा हूँ मैं। अभी डायरेक्ट यहाँ से खोद के जाएंगे अपन, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। कहाँ है बंदी? अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, नीचे छुपेगी हैं, नीचे छुपेगी, इतना नहीं चलता ना दीदी छुपके। अभी फटाफट से एक वेस्टोन दे दो यार प्लीज, इतना हो गया अभी और नहीं, अभी बस एक वेस्टोन दे दो कहीं तभी जंगल में। ए भाई भाई क्या चल रहा है आज, क्या मैं लॉटरी खरीद लूँ? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है भाई लॉटरी खरीद लेनी चाहिए मैंने आज। क्या हो रहा है ये खतरनाक भाई। ए मेरा बंदा वहीं छूट गया क्या? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अबे कैसा अजीब सा दिख रहा है, क्या है ये, एक कौन सा पोज है ये? हाँ इतना आलसी सी सरपेंट पहली बार देख रहा हूँ मैं, क्या है ये? इसको एक काम करते हैं अपन ना, थोड़ा सा पेडिस्टल पे रखते हैं इसको। कहाँ है? ओए हाँ ये रहा, इसको ना थोड़ा सा सजा के रखते हैं अपन, वरना ये ऐसे लल्लू सामान पड़ा रहेगा एक जगह। अरे लल्लू कहाँ देख रहे हो, उधर कौन है, कौन है उधर, क्यों मुंडी घुसाया तूने? हाँ पहली बार जब मुंडी सही रखा था तब क्या प्रॉब्लम थी? देखो लल्लू राम, इसका मुंह सीधा करने में मेरा पूरा टाइम चला जाएगा मेरे को लग रहा है। अबे यार कैसे रखूँ इसको, इसको इधर रख के रखेंगे, एक नंबर, ये बात हुई ना, नाइस। अभी बंदा उधर देख रहा है, दोनों के दोनों उधर देख रहे हैं, बस ये भाग ना जाए यार यहाँ से। इतनी मेहनत से मैंने मतलब उतना कुछ खास बनाया नहीं है, एक काम करते हैं इसको बाजू से इतने हटा देते हैं, इतने ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, एक सीधे ब्लॉक पे रहेगा वो, उतना काफ़ी उसके लिए। एंड नीचे का भी हटा देते हैं, हवा में उड़ रहा है हमारा सी सरपेंट, एक नंबर, क्या बात है, लेट्स गो, एक नंबर, हवा में उड़ रहा है हमारा सी सरपेंट। क्या है यार वो दिख भी नहीं रहा है यार सी सरपेंट, मतलब ठीक है तुमको चाहिए था सी सरपेंट, लेकिन कोई बोलेगा कि पिलर पड़ा हुआ है वहां पे कोई, तो भी एक ये तो एटलीस्ट ड्रैगन दिख रहा है भाई, एकदम खतरनाक वाला ड्रैगन दिख रहा है, लेकिन क्या ये है, क्या है, क्या ये लंबा पिलर, इतना आलसी सी सरपेंट मैंने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। पड़े हैं हम, हाँ बना लो हमको स्टैचू, हे भगवान। बट ठीक है अभी बारी आती है अपने मेन स्टैचू को बनाने की, राइट। सो अपने काम करेंगे यहाँ पे, ऐसा उसके लिए बढ़िया सा स्टेज बनाएंगे, एक नंबर, एंड यहाँ पर रहेगा अपना क्रीपर। नहीं बे मेरा स्टैचू कहाँ गया, मैंने मेरा स्टैचू ही घुमा दिया, व्हाट द हेल, बैग में रखा है क्या? हाँ ब्लैक बैग में रखा था मैंने, ओके ओके ओके, यो दिस इज मी। एंड एक काम करते हैं उसके नीचे भी ना अपन लिख भी देते कुछ कुछ, ताकि लोगों को समझे कि वो कौन है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिखेंगे अपन, हियर लाइज, लाइज नहीं पे जिंदा हूँ मैं, हियर स्टैंड्स सेक्सीएस्ट प्लेयर दिस वर्ल्ड, मैं अकेला ही हूँ तो तुमको बात माननी ही पड़ेगी यहाँ पे और तो कोई है नहीं यहाँ पे, मैं ये अकेला प्लेयर हूँ, बट ठीक है आई थिंक दिस इज सेक्सीएस्ट की जगह एक काम करते हैं, हियर लाइज दी मोस्ट ओपी प्लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड उतना दूर क्यों गया भैया, भाई स्पेस डालूंगा तो हो जाएगा क्या सही? हाँ हियर स्टैंड्स द मोस्ट ओपी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड, और नीचे लिख देते हैं
#creepats यानी पता चले लोगों के कि ये जो है क्रेबैट्स का स्टैचू है, वरना बोलेगा अरे कौन है ये, कौन है ना, ये क्रेबैट्स है। या क्या बात है, क्या बात है, दिख रहे ना एकदम ओपी अपन, वहां पे सी सर्पेंट का स्टैचू, पीछे ड्रैगन का स्टैचू, यहाँ पे अपना स्टैचू, एक नंबर। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली एंड बाय बाय।